हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग बडी। तो आज हम लोग लिक्विड लेआउट पढ़ेंगे, मतलब वेबसाइट का लेआउट किस तरह बनाते हैं, उसकी छोटी मोटी चीज़ें देखेंगे और देखते हैं वो किस तरह बनता है। और पिछली क्लासेस में जो जो क्लासेस आप लोगों ने मिस की हैं वो पहले देख लें, क्योंकि ये आखिरी क्लास है CSS की हमारी। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इंशाल्लाह एक टेम्पलेट बनाना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह एक वेबसाइट का टेम्पलेट क्रिएट होता है। तो वेबसाइट का टेम्पलेट बनाएंगे और कोशिश करेंगे एक से दो क्लासों में ही पूरा टेम्पलेट हम लोग कवर कर लें, तो पूरा एक डिज़ाइन बनेगा वेबसाइट का। तो आज जो है छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ जैसे बड़ी होती है, किसकी विथ बड़ी होती है, किसकी विथ ज़्यादा छोटी करते हैं, लेफ्ट पे जाता है, राइट पे जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी देख लेते हैं। तो हम लोग गए अपने HTML CSS क्लास में फोल्डर में, और फोल्डर ओपन करके CSS के फोल्डर में मैंने एक बना के रखा हुआ है डिज़ाइन लेआउट HTML का। इसको मैंने खोल लिया भाई विजुअल कोड पे। विजुअल कोड पे मैंने अपना फोल्डर खोला, ये आ गई मेरी फाइल, और इस फाइल पे हम लोग अब काम करेंगे। तो यहाँ तक तो आप लोगों को सब पता है कि किस तरह विजुअल कोड पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, फोल्डर खोलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। वो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पहले HTML का कोड लिखते हैं किस तरह, नॉट का साइन लगाया और पूरी HTML ऑटोमेटिक लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग कुछ लेआउट बनाएंगे। जैसे मैं एक लेआउट बनाता हूँ पहले डिफ का, और इसको नाम दे देता हूँ भाई मैं अपनी वेबसाइट की मेन डिफ। इसको क्लास दे दी मैंने मेन, मेन दे दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आया भाई अपने हेड में और स्टाइल रखा, और यहाँ मैंने भाई मेन क्लास को वो दे दिया डॉट मेन, और इसको मैंने एक दे दिया भाई बॉर्डर, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई ये वेबसाइट कहाँ तक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका लेआउट देखते हैं पहले। भाई ये रहा, ये आ गया बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं छोटा करूँ तो ये टॉप पे ही आ रहा है, सिर्फ राइट में इसलिए नहीं आ रहा, ये अंदर चले आ रहा है इसके इस तरह, ठीक है। तो टॉप पे ही आ रहा है सिर्फ, तो इसको देखते हैं पहले। अच्छा, 1p एक सॉलिड मैंने बॉर्डर कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये टॉप पे नहीं आ रहा बल्कि चारों तरफ ही आ रहा है, पर इसके अंदर कुछ है नहीं इसलिए ऐसा लिख रहा है आप लोगों को। अगर मैं यहाँ ए भी रख दूँ तो ये अब आप लोगों को चारों तरफ दिखेगा, ये देखिए चारों तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने एक और हटाया और यहाँ मैं काम करना स्टार्ट करूँगा अपना। मैंने एक और डिप बनाई भाई अपनी, और इसको इस डिप को मैं देता हूँ भाई हेडर, क्लास दे दी मैंने हेडर की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आया मैं, मैंने कॉल कराया भाई डॉट हेडर, और इसकी विथ कर दो भाई 100%, और इसकी हाइट कर दो 100 पिक्सल, और इसका बॉर्डर कलर कर दो भाई, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर ग्रे, ठीक है। अब यहाँ पर आए हम लोगों ने देखा, कुछ नहीं आ रहा। ओ, हेडर की यहाँ मैंने अलग दे दी और वहाँ मैंने स्पेलिंग अलग कर दी है, ये देखें ये हेडर आ गया, और हेडर के चारों तरफ क्या आ गई हमारी वेबसाइट का लेआउट, ठीक है। अगर मैं इसको, अब मैं चाह रहा हूँ भाई इसकी मैं हाइट विड्थ कर दूँ 900 px, 900 px ही आ गई, ये ज़्यादा कम हो गई है, हम लोग क्या करते हैं 1100 px, ये हो गई। अब बहुत सी वेबसाइट आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल सेंटर में चल रही होती है, अगर मैं इसका मार्जिन कर दूँ ऑटो तो ये आ गई सेंटर में। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट है बिल्कुल सेंटर में चल रही होती हैं और साइडों से उसमें उनके गैप छूटा हुआ होता है, तो वो रिस्पॉन्सिव साइट होती हैं, जब आप उनको स्क्रीन छोटा करेंगे तो वो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, तो इसलिए उनका गैप छोटा हुआ होता है, बिल्कुल बॉर्डर से लग नहीं रही होती, तो इस तरह वो साइट्स काम करती हैं।
तो उनकी मेन डिफ का उन्होंने क्या कर दिया, एक विद दे दी 1100 कि मैक्सिमम विद कितनी हो 1100 इसकी, ठीक है। तो एक विद आ गई 1100 और 1100 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन हम लोगों ने दे दिया ऑटो, मार्जिन ऑटो से इसने यहाँ से भी वही लिया और वहाँ से भी वही लिया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई, इसकी मेन जो है उससे थोड़ा सा हट के वेबसाइट चले, मतलब थोड़ा अंदर उसके होके वेबसाइट चले, तो मैं एक पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैंने दे दी 5 पिक्सल। तो ये देखिए, ये अब साइटों से थोड़ा थोड़ा और गैप आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आए भाई नीचे, हम लोगों ने एक और डिप बनाई नीचे। अब मैंने डिप बना ली, जैसे हम लोग एक तरफ हम लोग रखते हैं अपना सर्च बार और दूसरी तरफ हम लोग रखते हैं अपने कैटेगरी, तो उसके लिए हम लोगों ने दो डिप बनाई पहले, ठीक है। एक डिप बनाई मैंने, हम लोगों ने फर्स्ट करें क्लास दे दी कैटेगरी, अच्छा। उसके बाद एक और क्लास डिप बनाई हम लोगों ने और उसकी क्लास दे दी सर्च बार क्लास देती, ठीक है। अब इसको चला के देखा, कोई वर्क नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसकी कोई विड्थ और हाइट है ही नहीं। डॉट उन्होंने क्लास की भाई कैटेगरी, इसको ना हम लोगों ने विड्थ दे दी 30% और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और मार्जिन टॉप दे दिया, टॉप से थोड़ा सा हटके रह गए लह रही है, तो मैंने 10 पिक्सल दे दिया, ठीक है, अच्छा। उसके बाद चला के देखते हैं, मैंने इसको ये यहाँ पर इस तरह की आ गई। इसकी मैं हाइट भी दे देता हूँ, हाइट मैंने दे दी इसकी 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया इतना, ठीक है। ये इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ ग्रीन, तो ये यहाँ पर ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इसके साइड में सर्च बार जो आता है उसकी जगह आनी चाहिए, तो यही मैंने बिल्कुल कॉपी किया इसी तरह। और उसके बाद मैंने यहाँ लाके पेस्ट किया और इसको रख दिया सर्च बार, ठीक है। ये देखिए, अब आप लोग एक चीज़ देखें, ये बराबर में नहीं आया। देखिए, चीज़ें लाना तो आसान होती हैं, उसको राइट लेफ्ट उसकी उसका डिज़ाइन जो बनाना होता है ना, किस जगह रखी जाएंगी वो चीज़ें, वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये डिज़ाइन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह क्या चीज़ रखी जाएगी, तो किस तरह क्या चीज़ कहाँ पर प्लेस की जाएगी, तो वो चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसको मैं इसके बराबर में लाना है, मुझे क्यों नहीं आया, क्योंकि डिप जो है वो है ब्लॉक एलिमेंट। ये देखें, अगर मैं ये देखूँ तो ये जगह तो इतनी सी आ रही है, मगर ये पूरी जगह ले रहा है जो आप लोगों को हम लोगों को दिख नहीं रही है। ये देखें, पूरी जगह आ रही है। तो अगर मैं इसको कर दूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, तो ये उतनी जगह लेने लग गया जितने का इसको इंक्लूड है, पर अब भी वो नीचे वाली ये जो डिव है ये ऊपर नहीं आ रही, क्योंकि नीचे वाली डिव ने अपनी पूरी जगह ली है। अगर यहाँ पर आऊँ, उसने अपनी पूरी जगह ली है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं दे दूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये देखें, ये बराबर में आ गई बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं इसको कर दूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और इसको भी मैं कर दूं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, अगर मैं दोनों को इस तरह कर दूं, तो अब मैं चला के देख रहा हूँ ये क्या हो गया। अब आप लोग बताएं ये ऐसा क्यों हुआ। आप लोग अब सोचा ऐसा क्यों हुआ? तो ये ऐसा इसलिए हुआ है कि हम लोग चलते हैं दोबारा अपने कोड पे, और यहाँ हम लोगों ने ये बंद करना भूल गए थे। ये अब इसके बिल्कुल बराबर में, तो ये इस तरह हुआ था कि ये बिल्कुल इस तरह बराबर में आ जाएगी।
और अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली डिप आई है इसको हम लोग बिल्कुल विड्थ के बराबर कर देंगे, बिल्कुल इसके बॉर्डर के बराबर कर देंगे। कैसे? अब हम लोग चलते हैं कोड पे, किस तरह करेंगे हम लोग, यहाँ तक सुन जाएंगे, किस तरह लेकर आएंगे भाई। यहाँ आया मैं, इसको मैंने कर दिया 70%, मगर ये अब भी ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 70% ये 70% ये जो पूरी 100% है इसका 30% मैंने ये कर दिया, 70% ये कर दिया, तो ये इसके बराबर में आ जाना चाहिए था, इतनी जगह होनी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने 1% 1 px बॉर्डर ले लिया, थोड़ा सा मार्जिन दे दिया। तो अगर मैं इसको 70 के बजाय कर दूँ 68, तो ये अब मेरे ख्याल से बराबर में आ जाएगा, ये देखा गया। अगर मैं इसको 69 भी कर दूँ तो भी शायद ये इसके बराबर में आ जाए, आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसने बॉर्डर लिया, उसकी इसने थोड़ी सी विद ली हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी, तो इसकी वजह से ये इसके बराबर में 70% पे नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दो विद आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक ही जैसी मैं इसके नीचे दो डिप ले लूँ या 3 डिप ले लूँ। आपने देखा होगा जब कैटेगरी और बैनर आ जाता है, या बैनर आता है, बैनर तो इसी तरह बिल्कुल आ जाएगा, इसी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, उसकी विड्थ बड़ी कर दूंगा। उसके बाद नीचे तीन आ रहे होते हैं, तीन बॉक्स आ रहे होते हैं इसमें, आ रहा है डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसी और इन्फॉर्मेशन, तीन बॉक्स आ रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह के, एक ही लेवल के, तो वो किस तरह आएंगे? हम लोग चलते हैं दोबारा अपने कोड पे और इसी को बिल्कुल इसी को हम लोग डिफ को कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ हम लोग ले लेते हैं 3 in 1, 3 in 1 कर देते हैं इस डिफ का नाम। ठीक है, इसको भी यही कर देते हैं 3 in 1, और इसको भी यहाँ एक और डिफ लेते हैं, इसको भी करते हैं 3 in 1। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इन तीनों का नाम एक जैसा क्यों रखा, क्योंकि मैंने ऊपर मुझे दोनों डिप में अलग अलग प्रॉपर्टी लगानी थी, मगर यहाँ पर तीनों सेम है। ऊपर अलग अलग कैसे लगानी थी, एक को मुझे देना था 30% और एक को मुझे देना था 70%, मगर यहाँ मुझे एक को तीनों को सेम सेम दे रहे हैं। दोनों को मुझे यहाँ तीनों को मुझे सेम सेम विथ देनी है, तो किस तरह दूंगा मैं, आप लोग सोचें। पर आया मैं वापस, यहाँ मैंने लिखा भाई, इसी को मैंने कॉपी किया, किसी एक को इनमें से कॉपी कर लिया मैंने। अब मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसा करा है कि ऊपर मुझे अलग अलग देने के, अब मैं एक ही प्रॉपर्टी से सारी इस तरह देना चाहूँगा, सारी तीनों जो है एक ही तरह डिज़ाइन देना चाहूँगा, तो वो दे जाए डॉट 3 in 1। ये मैंने क्लास का नाम दे दिया, डिस्प्ले इन लाइन लॉक करा इसको भी, बॉर्डर 1 px कर दिया, कलर मैं कर देता हूँ उसका रॉयल ब्लू, हाइट 50, सही है भाई, मार्जिन टॉप से 10 px, बॉर्डर 1 px। सिर्फ इसको चेंज करना है, इसको क्या करना है, 100 का 3 3% वो 3 हिस्सों का करना है, क्या बनेगा भाई 33, 33 हम लोगों ने किया 33%, और इसको आगे चला दिया, कुछ नहीं आया भाई, वहाँ हम लोगों ने सेव नहीं किया, गया सेव तो किया, फिर यहाँ कुछ नहीं आया, ओ डबल डॉट डाल दिया हम लोगों ने शायद यहाँ पर। अब चला के देखते हैं, ये दो है, तीसरी की नहीं आई वजह, जो हम लोगों ने कॉपी की थी यहाँ पर, दो आ रही, तीसरी क्यों नहीं आ रही, एक डे दूसरी डे और तीसरी डे, दो डे आ रही है, अगर मैं इसको 32% करूँ तो तीनों आ रही है, तो भी 3 डे नहीं आ रही, तीसरी डे क्यों नहीं आ रही। नीचे आए, चेक किया, चेक करें भाई ये तीसरी डे क्यों नहीं आ रही,
कुछ मतलब समझ में तो नहीं आ रहा। प्लस 3 इन 1, 3 इन 1, 3 इन 1 डिव खुली, डिव बंद हुई, या डिव खुली, डिव बंद हुई, डिव खुली और डिव बंद हो गई, तो फिर क्यों नहीं आ रही है, दो ही क्यों आ रही है। स्वैक में गए, चेक किया भाई, एक डिव, दूसरी डिव, तीसरी डिव, फर्स्ट डिव नहीं आ रही हमारी, फर्स्ट डिव डिस्प्ले ब्लॉक हुई हुई है। क्या मॉडल पड़ा है, क्या गड़बड़ है यार, उसकी स्पेलिंग में हालत थोड़ी सी मिस्टेक थी, चेक कर लेते हैं, मिस्टेक भी आती हुई। THE आया हमारा, THERE करवा था मैंने, इस वजह से मसला कर दी, अब इसको सही कर दिया तो ये चल गई, ठीक है। अभी चलाया, अभी देखेंगे यहाँ से गैप आया क्यों, क्योंकि मैंने इसको शायद 32 पिक्सल कर दिया था, इसको मैं 33 कर देता हूँ तो ये गैप खत्म हो जाएगा, 33 के नीचे आ गया, इसका मतलब यहाँ पर इतनी विड्थ नहीं है, बॉर्डर ने विड्थ ले ली है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत मार्जिन ने ले ली है, तो इस वजह से यहाँ विड्थ नहीं आई, तो मैं इसको 32.5 कर दूँगा अगर तो चलेगा, ये बिल्कुल चल रहा है। उसके बाद 6 कर दूँ तो भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं एक ही प्रॉपर्टी से बहुत सारी चीज़ें करना चाहूँ तो वो भी इस तरह कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा एक लेआउट था कि एक प्रॉपर्टी से एक किस तरह बन सकती है, दो प्रॉपर्टी से दो किस तरह बन सकती है, एक ही प्रॉपर्टी से तीन तीन डिफ किस तरह बन सकते हैं, लेआउट बन सकते हैं, किस तरह किसी को बैठने के लिए जाया जा सकता है, किस तरह मिड में आती है, जैसे मिड में आएगा पूरा ये बॉडी हमारी मेन बॉडी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और अगले टॉपिक से हम लोग इंशाल्लाह पूरा टेम्पलेट बनाना स्टार्ट करेंगे, एक पूरी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, एक वेबसाइट टेम्पलेट। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, एंड जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।